राजस्थान में साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान चरम पर है। खास तौर से सत्ताधारी कांग्रेस में घमासान जारी है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत गुट के बीच तनातनी अभी भी बरकरार है। इसी बीच सोमवार को कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने श्री गंगानगर में आगामी चुनाव को लेकर बड़ा कमेंट किया। उन्होंने कहा कि बेहतर तालमेल रहा तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट होगी और हर बार सरकार बदलने की परंपरा भी टूट जाएगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान फिर जीत सकते हैं अगर हाईकमान उनके सुझावों पर अमल करे। अब उनके इस बयान से कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। उनका कहना है कि अगर आला कमान उनके सुझावों पर अमल करे, इसका मतलब है कि अगर आला कमान सचिन पायलट को राजस्थान से मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाते तो कांग्रेस की हार को कोई नहीं रोक सकता। और कहीं ना कहीं सचिन पायलट को आला कमान पर बहुत भरोसा है कि आला कमान उनको ही सीएम पद का उम्मीदवार बनाएंगे। इस वक्त राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हर पार्टियों की तरफ से जोरदार प्रचार भी शुरू कर दिया गया है, लेकिन सचिन पायलट और गहलोत के बीच की जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अगर आला कमान ने जल्द सचिन पायलट और गहलोत के बीच की अनबन को नहीं सुलझाया तो कांग्रेस को राजस्थान में इन दोनों के बीच की जंग का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इस वक्त बीजेपी राजस्थान में एक्टिव मोड पर आ चुकी है और बीजेपी की तरफ से राजस्थान में जबरदस्त प्रचार किया जा रहा है। बीजेपी का राजस्थान में एक ही लक्ष्य है और वो है गहलोत सरकार को सत्ता से बाहर करना। अगर जल्द इन दोनों के बीच की अनबन खत्म नहीं हुई तो बीजेपी इस जंग का फायदा उठाकर राजस्थान में अपनी सरकार बना सकती है। हम आपको बता दें कि राजस्थान में ओवैसी और केजरीवाल भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और सरकार बनाने का दावा भी कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि केजरीवाल और ओवैसी की वजह से गहलोत सरकार अपनी सत्ता खो दे, क्योंकि राजस्थान में ओवैसी की नज़र मुस्लिम पर है और अभी तक राजस्थान में मुस्लिम सीटों पर कांग्रेस का दबदबा है।